अक्षय कुमार हमेशा ही अपनी फिल्मों में एक सोशल मैसेज देने को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। पिछले दिनों में ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा ने भी लोगों को खूब इम्प्रेस किया था और अब 2018 में रिपब्लिक डे के दिन उनकी मूवी पैडमैन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की स्टोरी एक रियल लाइफ पर बेस्ड है जिसे लेकर वो पहले ही काफी चर्चाओं में बनी हुई है। आपको याद होगा कि इस साल अक्की की ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा के साथ शाहरुख खान अपनी फिल्म जब हैरी मेट सेजल लेकर आने वाले थे, लेकिन उन्होंने बाद में अपना प्लान बदल लिया और जब हैरी मेट सेजल को ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा से पहले रिलीज किया। हालांकि उसका उन्हें कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। अगर ऐसा बोला जाए कि इस समय अक्की के सामने कोई भी कलाकार अपनी फिल्म लाने से डर रहा है तो शायद गलत नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी एक्ट्रेस है जो अब अक्की से डरी नहीं और उन्हीं की फिल्म की रिलीज डेट पर अपनी फिल्म रिलीज कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि वो कौन सी अदाकारा है तो हम आपको बता दें कि वो है अनुष्का शेट्टी। जी हाँ, बाहुबली 2 की अपार सफलता के बाद अनुष्का शेट्टी अपनी नई फिल्म भागमती लेकर आ रही है। बीते दिनों ही इस फिल्म का पोस्टर लोगों के सामने पेश किया गया था जिसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। बताया जा रहा है कि ये फिल्म 26 जनवरी 2018 के दिन सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वेल, अक्षय और अनुष्का दोनों की ही फैन फॉलोइंग काफी अच्छी है। अब देखना तो ये होगा कि दोनों में से किसकी फिल्म को ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मिर्ची बॉलीवुड।